इधर वेलकम बैक टू एनटीआई एकेडमी चैनल। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस मिल गए होंगे और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बनाते रहें जिससे आपको और आपके बच्चों का एजुकेशन फायदा होता रहे। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, द रोड्स स्कॉलरशिप टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। देखिए, हम पिछली सीरीज के अंदर बहुत सी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। हमने आपको कॉमनवेल्थ के ताल्लुक से बताया, हमने आपको चीनी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से बताया और बहुत सारी स्कॉलरशिप हमने आपके सामने हॉर्नबी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से बात की। आज हम बात करेंगे कि इफ यू वांट टू स्टडी एट द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर योरसेल्फ। सो रोड्स स्कॉलरशिप इज द वे फॉरवर्ड फॉर योरसेल्फ टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। The Rhodes Scholarship is basically named after John Rhodes, who was a business mining magnate, a British business mining magnate in South Africa, and also he was the Prime Minister of the constituency Cape Town for many years. So this scholarship is basically named after him, and this is run by the Rhodes Trust in the UK, who offers the scholarship to the to the students from more than 22 constituencies that is designated by the Rhodes Trust to more than 100 students. तकरीबन 100 बच्चों को हर साल ये स्कॉलरशिप मिलती है 22 मुल्कों से जो रोड्स ट्रस्ट आपको अवार्ड करती है। इंडिया के ताल्लुक से इंडिया के जो कोटा जो है इनका हर एक कंट्री के ताल्लुक से एक कोटा है। इंडिया के तकरीबन 5 बच्चों को स्कॉलरशिप हर साल रोड्स ट्रस्ट की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए दी जाती है। बेसिकली ये स्कॉलरशिप जो है वो तकरीबन वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए है, 2 साल के लिए कम से कम। दिस इज ऑफर फॉर द मास्टर्स एंड एमफिल एंड इवन फॉर द पीएचडी आल्सो। कम से कम 2 साल के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। ये स्कॉलरशिप के मिलने के बाद आपको क्या फायदे? बेसिकली द बेनिफिट्स आर वेरी कॉमन एज वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियोस आल्सो दैट यू विल गेट फुल स्कॉलरशिप। आपको पूरी फीस भरी जाती है। आपको तकरीबन 15,000 पाउंड तक का आपको हर साल स्टाइपेंड मिलता है। तकरीबन उससे ज्यादा ही कुछ मिलता है, लगभग इतना है। यू गेट अ स्टाइपेंड फ्रॉम द रोड्स ट्रस्ट। थर्ड, आपको वन कमिंग एंड वन गोइंग बैक आपको जो इकोनॉमिक क्लास आपको टिकट्स मिल जाती है। तो दीज आर 3 बेनिफिट्स, दैट इज फुल फीस, स्टाइपेंड एंड प्लस यू विल ऑल्सो गेट द इकोनॉमिक क्लास रिटर्न टिकट फ्रॉम द रोड्स ट्रस्ट। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। दिस कवर्स योर स्टडी फॉर मिनिमम फॉर 2 ईयर्स। मास्टर्स वहां पर ऑक्सफोर्ड के अंदर मिनिमम 2 ईयर्स का होता है। देयर आर आल्सो द मास्टर फॉर 1 ईयर आल्सो, बट दिस इज फॉर द 2 ईयर्स प्रोग्राम। ये आपको स्कॉलरशिप आपको मिलती है। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर द रोड स्कॉलरशिप? सी, रोड स्कॉलरशिप इज नॉट वेरी इजी टू गेट इन। इट्स नॉट वेरी इजी स्कॉलरशिप दैट यू कैन इजीली गेट इन। और आपको इसके जरिए से काफी आसानी से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी बिकॉज यू आर अप्लाइंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, the world's most premier institution that is very very understandable from by you. So they have a long, very thorough procedure for selection. Definitely basically it starts with that you have to apply at the start your application by selecting your constituency. That if agar hum India se hain to online application jo roads trust ki jo hai, main aapko ye link aap dekh sakte hain yahan par in the video, that link you can follow. वहाँ से आप application अपना शुरू कर सकते हैं। You have to select your constituency, that is India. हम India में रहते हैं तो India में select करेंगे। तो India को select करके अपने स्कॉल आपका काम शुरू कर देना है। Now, what are the documents required for that? First of all, इसके जो हम eligibility criteria देखते हैं उसके बाद document भेजते हैं। So eligibility criteria for this is that you must be citizen of India. OCI or PIO are not eligible for this. This is the first criteria. There's a whole list of document is there. आपको लिंक दिया है, मैंने आप वहां भी जाकर रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट, दैट यू नीड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, योर एज मस्ट नॉट बी मोर देन 25 इज द मैक्सिमम एज विच यू कैन अप्लाई फॉर। आपके 25 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होना चाहिए वाइल अप्लाइंग फॉर दी रोड स्कॉलरशिप। थर्ड इज दैट आपने पिछले 10 सालों के अंदर 12वीं के बाद तकरीबन 4 साल की आपने एजुकेशन ली हो। 4 ईयर्स ऑफ मिनिमम एजुकेशन यू मस्ट हैव कंप्लीटेड बिफोर अप्लाइंग टू द स्कॉलरशिप। ये आपका ये बहुत जरूरी चीज है, मतलब ये आपकी थर्ड है। और फोर्थ जो है आपका कि आपका एकेडमिक अचीवमेंट, ये एकेडमिक अचीवमेंट जो है मिनिमम आपका फर्स्ट क्लास आपके जो ग्रेजुएशन के अंदर आपके आए हो। तो दीज आर द 4 क्राइटेरिया। नॉर्मली आपके जीपीए भी आजकल लाइक आउट ऑफ देयर कैलकुलेशन
minimum of 3.7 out of 4 GPA you must have received. That's an average. जो average profile जो होती है बच्चों की, मतलब आपके 70-80% के तकरीबन ऊपर आया आपके हो, है ना, 80% के ऊपर आपको graduation के अंदर आया आपके आया हो. This is a kind of minimum तो उनकी first class है, but normally बच्चे जो 80% के ऊपर होते हैं उन्हीं को ज़्यादा scholarship मिलती है. So four criteria मैंने बताया, Indian citizen हो, दूसरा कि 25 साल से ज़्यादा उम्र ना हो, तीसरी कि आपने तकरीबन कम से कम 4 साल की एजुकेशन पिछले 10 सालों के अंदर ली हो, लाइक इन शॉर्ट यू कैन से 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यू मस्ट हैव कंप्लीटेड. फोर्थ कि आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है शुड नॉट बी लेस देन एटलीस्ट 60% ऑफ फर्स्ट क्लास. ये आपकी 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. नाउ अब डॉक्यूमेंट पे आते हैं, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू नीड टू रिक्वायर, यू रिक्वायर व्हाइल अप्लाइंग फॉर द रोड्स स्कॉलरशिप. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर यू is the passport. The first document is the passport. Kya aapka passport aapke paas ready ho? Aapka passport aapke paas ready ho? That's the first document. So out of the documents which are required, first is the passport which you can see. Second is your official transcript. Aapke jo bhi scholar chahe 10th ki ho, 12th ki ho, aapke graduations ki ho, official transcripts are required. Sealed pack from the university, jo colleges jahan se aap padhe ho. Third is your English language test. English language test is very very important. Ke aapko takriban kam se kam aap you must have scored 7. That's also one of the eligibility criteria. Also among the 7 overall aapka hona chahiye or no section less than 6.5. This is the very very unnegotiated criteria. That's aapki English language requirement that is mentioned in the Oxford University website in the Rhodes Scholarship section. Ke aapka 7 overall ho or 6.5, no less than 6.5 in each of the band. That is very very important. This is the third aapki. Fourth is that your personal statement, minimum of 1000 words aapke hone chahiye, that what you want to do, what you have done in your life, what aapke kaam kis tarah kiya hai, about your work, everything. The personal statement ki yahan par guidelines bhi di hai that you can refer to on the website which I have just given the link to you. Aap us pe jaake dekhiye kis tarah ki kya aapko usme kya likhna hai, kis tarah se present karna hai, everything they have given. Fourth is this. Fifth is that you must have at least 6 reference letters. This is very very difficult criteria. आपको normally आप जब जाते हैं scholarship के लिए, आप admission के लिए apply करते हैं, तो आपको दो या तीन, एक या दो का reference letter लग जाते हैं, that is enough. But to apply for Rhodes scholarship, you must have at least 6 reference letters. 3 must be from the academic background, and 3 must be from your work or from society, those people those you have known from a childhood. That's all. There's again guidelines is given for you to know about your personality. That is very very important. Rhodes scholarship is not given to just about based on our marks. कि आपके marks अच्छे तो आपको Rhodes scholarship दे दी जाएगी. Because they want to know you completely. कि what kind of person you are. Are you going to contribute to society going back forward or not? That is very very important. They want to know you as a person. So this is why they have given 3 reference letters that you must seek from your employer, from society, or people that they have known to you. They must not be your friends or your relatives. Should not be there. They have very strict scrutiny about this reference letters. So please do not mug up, do not just go and take a reference letter from anyone. This is not valid. So these are the 5 minimum things, documents which you require in the application procedure. So I just said that once you meet the eligibility criteria and you are eligible to apply, so gather your document, these 5 documents which you have just mentioned, you keep ready, your passport, your official transcript, your English language test, your personal statement, and even your reference letters. These 5 documents you must keep it ready, and go to the website, apply by selecting your constituency. Once you have applied for this scholarship, you will get a call for the interview. That may be in the Delhi, aapke Delhi mein hoga, aapka in Delhi you may be asked to appear for the interview, or through, it may be possible that they may ask you to get interview through online also. In the rare cases that is possible, but normally they ask you for the personal interview. And once this is done, there is no discrimination. It's based totally upon your profile. Rhodes website ki website, scholarship ki website pe likha hua hai ki hum kisi tarah ki aapke saath bhedbhav ya kisi tarah ka discrimination nahi karte. That is very very important, and that is very appreciating to know about it. Hai na? Nothing on the base of gender, caste, creed, religion, nothing is there. आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन जो होती है उसके ऊपर आपको जज किया जाता है कि वेदर यू शुड बी, देयर इज अ कमिटी फुल एंड कमिटी डिसीजन इज फाइनल. एंड ऑल्सो वंस यू हैव बीन सिलेक्टेड आफ्टर द इंटरव्यू, यू कैन नॉट डिफर द स्कॉलरशिप टू द नेक्स्ट ईयर, दैट आई मैं कल अगले साल पढ़ने के लिए आऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता. सेम ईयर यू हैव टू डू.
Once, and this application is basically starting from the 1st June, normally starts from the 1st June and ends closest by 31st July. 11 hours, 59 minutes पे ये मतलब रात में ये आप स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम जून टू जुलाई यू हैव टू एप्लीकेशन डेडलाइन इज देयर. यू हैव टू अप्लाई ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली एंड यू कैन नॉट अप्लाई आफ्टर दैट. योर रेफरेंस लेटर दे गिव यू सम टाइम टिल अगस्त यू कैन सबमिट बाय नॉर्मली बाय 14th अगस्त यू सबमिट एंड देन यू इफ यू सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड then you will be called for the interview and the final list of the candidates are displayed on the Rhodes Scholarship website of the University of Oxford. This is how the normal procedure is there, how you can apply. Jo general criteria maine aapko bataye, there may be some specific criteria also related to this particular school scholarship. If you have comment, if you have questions or any doubt relating to this particular scholarship, kindly do comment on the comment box so that we can understand your problems and guide you accordingly. So I hope you understood about the Rhodes scholarship. That is very prestigious, one of the very premium scholarship. There are only 5 scholarships available for the India that you can take a benefit out of it. So this was all about the Rhodes scholarship. I hope you understood about the entire video. Please do this was all about the video. Please do like our video, subscribe to our channel and share on your social media group. Hope you understood. Thank you once again. Thank you for watching our video. Inshallah, nayi video ke sath mein aapke saath dobara hazir honge. Assalamu alaikum.